कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय सत्यवतारिणे मम मनो हरिदास पदांगे सर्वदुराश विनाशिते तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे बहुरिदं विपणान तुर्यातु मे वाचा वदामो हरिदासनाम पश्याम द्रवभ्याम हरिदास मूर्ति साधो नमो हरिदास पुण्यम सुजस श्री हरिदास को श्रवण सर्वदा रसन श्री हरिदास गुणनाम वापुं नासिका से श्री हरिदास सौरभ सुतन मनस श्री हरिदास निसुदोष वापुं जय श्री वर विहार दास श्री हरिदास विपुल बल सकल फल लोक विधि सन्नाकों धन्य सोई शीष श्री हरिदास चरण वंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखों नैन श्री हरिदास की रूप नैन श्री हरिदास परमोज्वल चिन्मय महामधुर शार निर्मल पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य अशेष रसिक चक्र श्रीदान प्राण सर्वस्व श्रीधाम वृंदावन आचार्य आचार्य चरण श्री विठल विपुल एक पद में वृंदावन की महिमा दर्शित करते वृंदावन की महिमा रसिक महानुभाव वर्णन करते करते कभी थकित नहीं होते श्री धाम वृंदावन भूतल पर ही विराजमान है। ये नहीं है कि कहीं पहाड़ पर चढ़ना है। बड़े सरल स्थल इसी भी रास्ता से वृंदावन धाम में आ सकते सरल सुखदायी सर्वोपर सब कुछ सब कुछ और यहां का जो प्रेम रस है वो भी श्रम थोड़ो सुख आगरो श्रम सबसे थोड़ा है और सुख सबसे आगे का बस इसके लिए हृदय से पुकार चाहिए मेरे वृंदावन मेरे बिहारी मेरे स्वामी साधन श्रम ना तछु कियो ना तछु करि भेजो न तो मैंने साधन कोई किया न साधन करने लायक हूं एकमात्र कृपावलंब गुरु कृपा
स्वामी जी की कृपा, धाम कृपा, नाम कृपा, युगल कृपा, कृपा सुनो रसिको श्री वृंदावन को जस। आचार्य चरण श्री स्वामी जी चंद्रपति महाराज एक पद में वृंदावन को जस वर्णन करते हैं। सुनो रसिको श्री वृंदावन को जस मानने मनोहर परवश भई नायन अपने बस। कुंज केल में अखंड रूप से विहार करावे करवे वाली बिहारी कराए वाली लगता इस्लाम वृंदावन दे माननी मनोहर माननी श्री लाडली जी श्री श्यामा जी गाते मनोहर प्रीतम प्राणनाथ श्री लाल जी ने परवश भई नाइने अपने बस। एकमात्र सहचरी स्वरूपा श्री वृंदावन जी श्री ललिता जी के बस में अपने बस में नहीं तरुण तरंगन में परे अर्जे बार से बार त्रणाई की महातरंगों में आनंदित ये युगल तैरत साहस सखी कौन के साहस से एकमात्र हरिदासी जी के साहस आनंद मगन तैरत साहस सखी के अति आवर्त अति घनघोर महा नित्य निपट बेहा आनंद मगन ये युवर नाहिने अपने बस अपने बस में रहते जब ऐसा लगता है सहचरियों को सेज बेहा सीज पे बिहार मगन है कहीं एक दूसरे में समाहित नहीं सहज अतिमाधुर्य सने परस्पर विवश भएगी ये परस्पर विवश अतिमाधुर्य सने परस्पर विवश भएगी दो श्रमित सूरति श्रमित अति जान सहचरी में अंक ले सहचरिया इन युगल को अंक में ले लेना सहेली को अनुराग भाग कर फोन ये ललिता जी ललिता से अंक में ले लें पुण्य के वृंदावन चंद जी भी सहचरी स्वरूपा है यमुना जी भी सहचरी स्वरूपा है सब सहचरी यह वन नित्यो नवीन जुगलवल ये नित नूतन रस प्रदान करवे वाले श्री वृंदावन चंद्र प्रिया प्रीत दय गलवाई रहे परस्पर शिविर दो हैं फूलन की बनमार एक पैर जन दो इधर वृक्षावली वृंदावन चंद्र की परस्पर
शाखा सवै समान परस्पर वह गलवाएं, तेने करें पुरी रहें निश्चित तडोले। बड़ा अत्यंत अनिर्वचनीय वैभव श्री धाम बंदा। यह वन नित्य नवीन, नित्य नित्य क्षण प्रतिक्षण नव नूतन सुख प्रदान करवे वारे ये श्रीधाम वृंदावन चंद्र। जुगलवर द्रुम दल दिव्य स्रवत सलताल, द्रुम और दल हमको पत्र, दिव्य स्रवत सलतालस एकमात्र सलिता जमुना जी रसमय है सब उस संपत्ति, सब उस वैभव अति माधुर्य वैभव है, रसमय वैभव वृंदावन जी। द्रुम दल दिव्य स्रवत सलतालस, श्री बीठल विपुल विनोद बिहारी को, पान कियो चाहत रसनारस। एकमात्र ये सहसरिया अवचिन्न रूप से अवलोकन और लड़ लड़ामे हैं युगल को, फिर भी छिन छिन अति आतुर रहने सहसरिया ये युगल के रसपान करेगी पिताई अखियां आतुर रह में। कह रहे हैं मिठुन देव जी महाराज श्री बीठल विपुल विनोद, ये विनोद बिहारी जी महाराज को जो विनोद है क्रीड़ा है उनकी केली है बिहारी बिहारी। पान कियो चाहत रसना रस, या रस को ये रसना पान कियो चाह, ये नेत्र पान कियो चाहे अखंड ऐसे ही देख। ऐसे ही देख रूप भोग दीनो दृगन भगवत ऋषि, रूप भोग दीनो दृगन ललता गोद निहार। अपने दृगन को रूप का भोग दीजिए, अथवा आचार्य चरणों ने वही किया वही तुमको बता रहे। अपने दृगों को अपने आंखों को अपने नेत्रों को रूप का बिहारी बिहारी की रूप माधुरी का पान कराइए। रूप भोग दीनो दृगन, और कैसे ललिता गोद निहार, ललिता जी की गोदी में युगल सह युगल ललिता जी की गोदी राजमान, ऐसा रूप का पान अपने नेत्रों को कराओ। ललिता जी की गोदी में नहीं करा सकते हो, स्वामी जी की गोदी में कराओ। निधवन जी की लता के नीचे स्वामी जी महाराज बैठे विराजे, युगल गोदी में, उससे पहले अगर इतना कर नहीं कर सकते स्वामी जी के चरणों का चिंतन करो, लेकिन आना फिर धीरे धीरे वहीं रस के पद का चिंतन नहीं कर सकते कोई बात, स्वामी जी के चरणों का चिंतन धीरे धीरे सब बात बन जाएगी। नाम जाप करिए श्री हरदास नाम जाप, चरणों का चिंतन, कच्चे फल को नहीं तोड़ना चाहिए पक जाए तो। इसलिए साझा होना चाहिए बर्तन और पका हुआ चाहिए, साझे पाके वासन वस्तु धरी ठहरा, काचे में जल कीजिए तो भाजन मिश्र। कच्चे में जल नहीं करना और पक्का निश्चित होगा, स्वामी जी का भजन कर रहे हो तुम, नाम जाप कर रहे हो,
बर्तन भी पक्का और पक्की वस्तु मिलनी, सैसरी भाव पक्का, सब कुछ पक्का पक्का मिलेगा, अवश्य प्राप्त होगा। इस नाम का जो परिणाम है और दूसरा नहीं हो सकता है। श्री हरदास नाम रसनार जो ते जानी रसरी, वो रसरीति को निश्चित जान जाएंगे। आचार्य चरण श्री दयानंद जी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम समझा देंगे, चिंता मत। बिहारी दास जी ये सेवक इनको बार न पार, और एक जगह कह रहे हैं कि हम समझा देंगे, कोई चिंता नहीं, अनन्य हो जाओ स्वामी जी, बस हम समझा देंगे। बीठल विपुल विनोद बिहारी को पान कियो चात रसनारस। ये सुख सौभाग्य क्रमशः जब रसिक प्राण जिनके हैं स्वामी जी के चरणों में आश्रय है, तो ये परम सुख अवश्य हृदय में विराजमान होगा। और दूसरा रास्ता है, प्रेमी जनों, प्रार्थना। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, पहले भी सुना होगा, लेकिन श्री स्वामी दयानंद जी महाराज नित्य सिद्ध साक्षात प्रिया जी की स्वरूप रस सिद्ध वृंदावन से एक क्षण के लिए भी कोई बाहर नहीं गए, केवल जाके सुख संपत्ति अपार सब श्यामा श्याम बारों सप्ताह पर विभूति सुखता, जिनके हृदय कमल में सुख संपत्ति श्यामा श्याम रूपी सुख संपत्ति विराजमान हो गई है, उनके ऊपर सुरताज की स्वर्गाधिक अनेक लोगों की संपत्ति को वारफेर करके छोड़, उनको नहीं है कोई। कब हूं को नैन मूंद खोले पुन बोले बहन, धर्मदेव जी महाराज के कभी नैन बदले हुए हैं, कोई आए थोड़ा सा बहन बोलते हैं दस में दस में। कवहुक नैन मूंद खोले पुन बोले बैन, आनन अनूप जीती आवा मुखचंद्रम कैसा प्रकाश गुजराज। सिंह सदृश श्री स्वामी दयानंद जी महाराज आवा गुजरा अथवा चंद्रमा 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 की आभा को लिए श्री स्वामी दयानंद जी कब हूं को नैन मूंद खोले पुन भूले बैन, आभा ध्वज राज की दशको अनन्य जन भावत दिलोक गोप, धारी है बिहारी दास गति गज राज की, वृंदावनीय बड़े बड़े मूर्धन्य रसिक जन, वो भी श्री दयानंद जी के दर्शन के लिए लाला है। रसिक जन अनन्य जन धावत विलोक दयानंद जी के दर्शन के लिए, धारी है बिहारी दास गति एकदम गुजरात टूक टूक के कारण स्वान भरा कर जाए कुंजर मन बसता। कुंजर गुजरात हाथी एक मालिक के भरोसे उसको सारी पूर्ति हो जाती है। कुत्ता घर घर भटकता है सुबह से शाम तक, फिर भी पेट नहीं भरता। कुंजर बहुत खाता लेकिन एक मालिक था,
वज्रासन सिंह शब्द स्वामी का धर्म स्वामी शरणार्थ का आश्रय कैथर सिंह स्वामी हरिदास है सांची प्रीत बिहार ऐसे श्री स्वामी प्रार्थना कर रहे हैं लाइट जी के से प्यारी जो मोकों कृपा करो शरणागत के हृदय में छिन छिन प्रार्थना साथ में रहती है। ये नहीं कि एक बार कर ली दिन में छिन छिन पे अकेले चल रहे अकेले बैठे ये मेरी लड़की तत्तीन को भागवत जी ने भी कह तत्तीन कंपान सुचमी खेम क्षण क्षण प्रार्थना दुख सुख को निर्विकार हृदय से झेल लेते हैं गदगद वाणी और रसमय हृदय इनका है एक आतुरता इस जीवन में है ऐसे अनुगत जनों को युगल की जो संपत्ति है ऐसे मिल जाती है जैसे बाप की संपत्ति बेटा को अनायास ही मिल जाती कब तत्ती अनुकंपान सुष्मी क्षमा क्षण क्षण कृपा की याचना हे मेरी लाइफ यहां कह रहे प्यारी जो मोकों कृपा करो दीन भाव प्रार्थना अनन्य भाव निरंतर नाम जप ये सब अमृत कण है अमृत तत्व निरंतर नाम जप दीन भाव अनन्य भाव प्रार्थना लाडली जो मुको कृपा करो आप कृपा के भी भेद हैं क्या मांगते हैं कृपा में की समझ ऐसी रुचि उपजे जी मेरे मेरे हृदय कमल में क्षण ऐसी रुचि उपजती है ये समझने की बात है कैसी कृपा मांग रहे हैं क्षण प्रतिक्षण ऐसी रुचि मेरे हृदय में उपजती रहे तो मैं न छिन ये रुचि प्रकट होगी भजन से निरंतर स्वामी जी के आश्रय से रुचि क्षण भर भी तुम भूलोगे नहीं लाडली लाडली तुम है न छिन बिसरूं आपन अपनी करे हे लड़ी जो आपको एक क्षण के लिए नहीं भूलूं और आप मुकु अपनी बना लो मैं आपकी अंग संगनी सहचरी हूं आपन अपनी करे प्रेम बढ़ाओ अपने प्रति प्रेमो आप ही बढ़ाओगी आप मुकु अपनी बना लियो और अपनो प्रेम आप ही बढ़ाओ ये प्रार्थना प्रार्थना में बहुत बड़ा बल है कोई बात कैसे भी न बने करुणा भाव से आर्त भाव से प्रार्थना तो होगा अनंत जन्म होगी भटकते भटकते पिस्ते पिस्ते जन्म लेते मरते मरते कीड़ा मकूड़ा अनेक धर्मदेव जी महाराज थे बहुत जन्म ते सुमर भयभीत भयानक योनियों के बारे में स्मरण करते हैं मन में भय उत्पन्न हो जाता कि अगर भजन नहीं किया अब की बार तो फिर वही दशा हो जाएगी वही दशा होगी आपन अपनी कर प्रेम बढ़ावो निज रस रीत सुहियो भरो अपनी निजी रस रीति सो मेरे हृदय को भर दो आप निजी रस योर ध्यान रखना
क्या याचना है? निजी रस रीति, निज रस रीत प्रतीत विपिन बस्तौल है। उधर कह रहे हैं गुरु को, गुरु हरदास शास्त्री को, सन्मुख भई अभय कीजिए, निज जन जान, निज जन हो जाएंगे तभी निज रस रीति मिलेगी, अनन्य भाव रखेंगे तभी निज रस रीति मिलेगी। रस रीति बहुत है, बहुत प्रकार है, सभी कहत बिहार को कहें बिहार दो कौन, रथपथ भोगी जुगलवर हम सेवत हैं कौन, बिहार तो सभी कहते हैं, लेकिन ये स्वामी जी महाराज की निज रस रीति है, इसकी याचना। निज रस रीत सुहियो भरो निजी रस रीति सो आप मेरे हृदय तुम्हारे को भर दो, सुन सुन मन मन सा आशा मगन, एक मात मन और मन सा उसी आशा में मगन, तन की पश्चिम संहार निहारी दास आपन अपनी कर प्रेम बढ़ावो, निज रस रीति सुहियो भरो। और श्री बिहारी बिहारिन दास कहते यूं, विपिन बिहार धरो। श्री हरदास ब्रजरी, श्री हरदास रसरी, श्री हरदास नाम की सकल साधन, स्वामी जी महाराज का नाम ले लिया, संपूर्ण ब्रजरीति के साधन, अन्य रसरीति के साधन जीत गए, उनको स्वामी जी की रसरीति, निज रसरीति प्राप्त हो गई। श्री हरदास निज बरस, श्री हरदास रस बरस, निजी दर्शन स्वामी जी का नाम है, निजी दर्शन रस का प्रसन्न स्वामी जी का नाम है, रस का प्रसन्न जिनके हृदय कमल में, जिनके जिव्या पर निरंतर श्री हरदास नाम चलता है, स्वामी जी के चरणों का चिंतन होता है, जीत गए सब कुछ मुक्त है। श्रीधर बिहारिन दास कहते हूं, जय श्रीधर बिहारिन दास कहते हूं, विपिन बिहार धरो। श्री वृंदावन घन नवनी पुंज में संत सहज विराज, ये जोड़ी वृंदावन घन नवनी पुंज में संत इकरस विराजमान, अखंड विहार परायण, हे लाडली लाल यही झांकी, यही झांकी मेरी प्रिया की, मेरे हृदय पटल पर यही झांकी होती है, विपिन बिहार आज जो नित्य पूर्ण प्रेम बिहार में धरी रहो, लाल सुखदायिनी लाल जी को सुख देती रहो, मान को संभ्रम को अलसान को क्या लाडली, और ये हम दर्शन सहज विभाग से सेवा आपके करते हैं, ये याचना प्यारी जी मुझे कौन करता। तो ये सुख सौभाग्य प्रार्थना से, प्रार्थना करनी चाहिए तभी इष्ट मिल सकते, और प्रार्थना भी अभी समझाया आपने, अपनी रसरीति के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार। प्रार्थना का मतलब एक मांग भी है, मांगना, तो इष्ट से मांगना क्या है, ये बिना गुरु कृपा के और बिना स्वामी जी की कृपा से परंपरागत सूत्रों के अनुसार ही मांगना, जैसे भी व्याकरण जी महाराज के, प्यार जी मुंह को कृपा करो, ऐसी रुच उपजे जी मेरे तुम्हें छिन्न मिश्रो, आप अपनी कर प्रेम बढ़ावो, और निज रस रीसो यो भरो। श्री बिहारी बिहारिन दास कहती हूं, विपिन बिहार ये प्रार्थना। तो प्रार्थना करना
साधना पथ पर दृढ़ता से आरूढ़ होना, अनन्य भाव क्या है, स्वामी जी का स्वरूप क्या है, हमारे वृंदावन जी का स्वरूप, लाडली जी का, युगल का, हमारा ये स्वरूप ज्ञान एकमात्र ऋषिकन के चरणों में हम लोग अपना आश्रय बनाएंगे तभी संभव। दूसरा रास्ता नहीं, ऋषिकन के पद पर सनात पर सोच नहीं सकते हैं वो वस्तु सहज प्रदान कर, तुम अध्ययन पाठन पठन करोगे हाथ नहीं लगेगा, जब उनकी कृपा मना के सब कुछ बाद में। साखियों के मध्य में नंद किशोर देव जी महाराज कृपा करके बता रहे हैं तन्मान्यो विषया सुख है, अगर ये तन विषयों के सुख में राजी रहता है तो ये रस नहीं मिला। फिर स्वामी जी के नाम में मन कैसे लगे, तन्मान्यो विषया सुख है, मन को व्यारी व्यारन के क्षणों में रस रीति में रमाओ। मन सिखिया जग की, तो मन जो है इंद्रियों का गुलाम हो गया, स्वामी नहीं हुआ, क्योंकि इंद्रियों का राजा है मन, लेकिन विषय सुख में लीन होने के कारण इंद्रियों का गुलाम हो गया। इसलिए मने मनुष्यणाम कारण बंध मुख्यो बंधा विषया सप्तम मुक्त ही निर्विषयम मन, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुख्य का कारण है, विषय आशक्त मन दुर्गति कराने वाला है और विषय अनाशक्त मन प्रभु को मिलाने। ये सत्संग सुनते करते ये मन को बस में करके और मन बस बिना निरंतर नाम जाप के भजन के मन बस में कितना भी उपाय कर लो, कितना भी साधन कर लो, जब तक निरंतर नाम जाप नहीं करेंगे तब तक ये मन बस नहीं होगा। कृपा मनाओ, याचना मनाओ, सत्संग सुनो, निरंतर नाम जाप करो, निश्चित बस में होगा। भगवान गीता जी ने कह रहे अभ्यासे न तो कौनते वैराग्य से क्रिय, काय का अभ्यास, गुरु मंत्र का, नाम का अभ्यास, निरंतर जाप, निश्चित बस में। यद्यपि ये मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवद्रम तस्याहम निग्रियम वायुष्क्रम, वायु से भी ज्यादा दुष्कर है, लेकिन बस में होता है गुरुओं के बताए हुए रास्ते का, गुरुओं के बताए हुए मार्ग, उन मंत्र का अभ्यास करें, निरंतर निरंतर जाप करें, सहज में ही मन बस में होंगे। चिंतन व्यवस्था को कुसंग पाकर बिगाड़ना नहीं चाहिए, कुसंग से चिंतन भी, चिंतन भी सही रखो और जाप करो और कुसंग से बचते रहो तो निश्चित ही कृपा हो जाएगी। ऋषिया विषया में रम्यो घर घर जाच दीन, इतने भी बड़े हो गए अगर विषयों में रमने और याचना है संसार के सुखों की याचना है तो तुम माया के स्वामी नहीं हो, तुम गुलाम दास हो। सदा बसे वृंदा विपिन, ही महाराज कैसे बात बने हमारी आप बताओ तो सही, हम शरणागति के स्वरूप को कैसे समझ पाए, कैसे आपकी बार बार यही शरणागत पुण्य शरणागत महाराज आप कृपा करते, बड़े उपाय बताते हैं, बड़ा सुगम उपाय है इस जीवन में सर्वोपर वस्तु और मन बस और सब होने का। सदा बसे वृंदा विपिन तजे न कबहू खे, ये अगर बात किसी की बन गई है सब काम हो गया, सभी वृंदावनी रस उपासकों का ही
एक स्वर से यही कहेंगे सदा बसे वृंदा विपिन तजे न कबहू खेत खेत रसिकन को रस खेत वृंदावन रूपी ये रस का जो खेत है इसको कभी नहीं छोड़ता कबहू न तजे न कबहू खेत सदा 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 का मतलब होता है एक मिनट के लिए भी वृंदावन से बाहर कभी नहीं जाना उसको कहते हैं सदा सदा। मान लीजिए वृंदावन से बाहर रह रहे हैं तो मन को वृंदावन में रखो, बाहर रहना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है सेवाओं के कारण। उत्तम सबसे उत्तम बात तो यह है कि तन भी यहीं और मन भी है, और तन को कहीं जाना पड़ रहा है तो मन को यहाँ रख, फिर भी तुम्हारा वृंदावन वास हो मन को। तन की कसुम गिलान करें माने सब मन की, कह तो बिहारी दास ता कछ बैने कसमल, एक नाम निज भजो भैया तज देश प्रभु। एक निज नाम, कौन सा नाम? श्री हरदास। बिहारी दास श्री हरदास सुविद्या, यह निज धन धर राख हृदय में, ये निजी धन है, निजी नाम है, निजी वस्तु है, ये श्री हरदास नाम। बिहारी दास श्री हरदास सुविद्या, समस्त विद्याओं की विद्या, समस्त विद्याओं की विद्या। बराबर आप सुनते हैं, सुनते सुनते हमको तो ऐसा लगता है कि कुछ कहा ही नहीं स्वामी जी के नाम के संबंध में, कुछ नहीं स्वामी जी के नाम की जो महिमा, वृंदावन धाम की महिमा बड़ी विचित्र है। कहते कहते अतृप्त तो स्वामी जी के नाम के लिए श्री हरदास नाम निज अमृत, वो तो कहते ही रहते, लेकिन बिहारी दास श्री हरदास सुविद्या। बिहारी जी महाराज कह रहे अपने जीवन का सार बता रहा हूं, तुम सबसे बड़ी विद्या बता रहा हूं, जिस विद्या के बस में, जिस मंत्र के बस में श्यामा श्याम आके हृदय में बैठ जाते, जंत्रित श्यामा श्याम मंत्रित श्यामा श्याम, श्री हरदास नाम के द्वारा मंत्रित होके, जैसे सांप जो बस में हो जाता है मंत्रों के में, और इस तरीके से मंत्रों बड़ी शक्ति होती है, लेकिन स्वामी जी महाराज का जो नाम है श्री हरदास नाम, श्री हरदास नाम के बसीभूत, इस मंत्र के बसीभूत होके प्रिया प्रीतम भाग नहीं पाएंगे कहीं भी, तुम्हारे हृदय में आगे बैठ जाएंगे, श्री हरदास नाम के बस में हो जाए। इसलिए निरंतर श्री हरदास नाम। गारिंद जी महाराज बोले और कछु जो नाम तुम्हारी समझ में और कुछ नहीं आ रहा, मान लीजिए एक नाम निज टेक, गुरु ने कृपा करके तुमको श्री हरदास नाम दे दिया है, मंत्र दे दिया है, एक नाम निज टेक, बिहारी 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 का नाम और श्री स्वामी जी का नाम, अथवा बिहारी बिहारी की जो अंग संगनी हृदय रस रूपा से श्री श्री हरदास ही है, इनका नाम श्री हरदास। साधन सदे अनेक, अनेक साधन जिनकी गिनती नहीं कर सकते हो, वो सब अपने आप सद जाएंगे, अपने आप, उनको साधना नहीं पड़ेगा, अपने आप सद जाएंगे जब तुम्हारी श्री हरदास नाम में निरंतरता हो जाएगी। इसकी कृपा से, इनके प्रभाव से, इसके प्रकाश से, श्री हरदास नाम के प्रकाश में युगल खेलते हैं हृदय में, ध्यान रख। रुचि के प्रकाश परस्पर खेलन लागे, दूसरा पद खेलना। रुचि के कौन की रुचि? सहस्री की रुचि, हरदासी की रुचि,
श्री हरदास नाम के प्रकाश में श्री हरदास स्वामी जी महाराज की रुचि में या के प्रकाश में परस्पर दो खेल अंदा ये बिहारी बिहारी हृदय में खेल अंदा सदा बसे वृंदा विपिन तजे न पबहु थे। ऐसा सुख सौभाग्य लाडली जी की कृपा से बन जाए जिनका तो तजे न पबहु थे उनकी कृपा से संभव फिर ये भी सौभाग्य बन जाएगा। लाल लड़ावे जुगल वर प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाने का अखंड सौभाग्य बन जाए। लिए प्रिया को ही निष्काम निष्प्रेता उनका हित ले मेरी लाडली प्रेम जो निजन दे उलत फलत सदार है। ये प्रिया प्रीतम रूपी ये वृक्ष काय से फूले है जी कौन से जल से फूले है प्रसन्न रह गए है प्रफुल्लित रह गए है। प्रेम जो निज जन दे जो निजी जन है वो श्री हरदास नाम रटते हुए और इससे जो प्रेम प्रकाशित होता है वो प्रिया प्रीतम के लिए समर्पित हे लाडली लाल जीव भी कुछ भयो आप कुछ प्रिया प्रीतम भूल जाते हैं फिर वापसी उस प्रेम को तुम्हारे लिए उड़ेल देते हैं अपने हृदय का प्रेम कब श्री हरदास लाल लड़ा में जुगल वर वृंदावन वास करते हुए श्रीदास नाम जाप करते हुए आगे बढ़ाएंगे तो प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाने का सुख सौभाग्य और जो प्रेम है तुम्हारे हृदय कमल में बिहारी बिहारी में प्रदान कर स्वयं को लाल लड़ाने का प्रेम स्वयं ही प्रदान लिए प्रिया को ही एकमात्र प्रिया को हित लेके और कोई हित और कोई कारण नहीं होना चाहिए वह में केवल मुझे मेरे श्यामा श्याम श्यामा श्याम आवेश सब आवेश में आवेश श्यामा श्याम आवेश बिहारी दास हरदास की कृपा हो लवलेश ये आवेश होना चाहिए। आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोर जी महाराज वचन का सिद्धांत के माध्यम से पूर्ण प्रसंग में आपने बताया इस अथाह संसार से पार कैसे हो सकता है। 84 लाख योनि कितनी बार मिल गई फिर भी प्रभु की तरफ मन नहीं गया बार बार जम कियो जमाई हरदास ने संग करी ने सगाई कितनी बार 84 लाख योनि मिल चुके फिर भी प्रभु की ऐसा माया का विकराल पसार एक ही है जैसे कल के प्रसंग में आपने सुना कहर दरिया में अगर फंस जाए जहाज तो उस जहाज को निकलने का एक ही उपाय है कि पुराने समय में एक भैंसा उसके कोने पे बांध देते थे जब कहर में फंस गया जहाज तो जहाज के कोने में लंबी रस्सी करके भैंसा बांध देते भैंसा को नीचे उतार देते बड़े बड़े मगरमच्छ आते उस भैंसा को खाने के लिए पकड़ते और वो खींच के ले जाते अपने मनमानी दिशा में तो वो जहाज कहर से निकल जाता क्योंकि जहाज भी पीछे चला जाता। सो ये प्राणी मन रूपी भैंसा को साधुन को अर्पण करे ये मन संतों के चरणों में हे महाराज हम आपके हे गुरुदेव आपकी आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे। तो जब मन रूपी महसी को साधुन के अर्पण करे तो वे साधु अपनी कृपा रूपी मगर से खेच के कहर संसार से बाहर निकाल दें और दूसरा उपाय नहीं है संतन के श्री चरणों का आश्रय गुरुन के चरणों का आश्रय तभी संसार सागर से पार नित प्रतिशत संग सुने
ये संत आश्रय है, नित प्रति सत्संग सुनाए और निरंतर नाम जाप करे। तो कह रहे हैं शरणागत को आपको ऐसे जाने जैसे घोड़ा काऊ के हाथ बेचे। जैसे हमारे पास कोई घोड़ा है, हमने किसी को बेच दी, तो उस घोड़ा की घास की दाने की चिंता जिसने खरीदा है वो करेगा, बेचने वाले को थोड़े ही अब चिंता, जिसने खरीदा है वो करेगा। ऐसे हमने अपने आप को बेच दिया है, कौन को? अपने इष्ट के लिए। मारे आप जानो ज्यों ही तुम राखत, तो वो जाने उनको चिंता है। ये शरणागति का स्वरूप है। अपने बलबुद प्रतनासन पासन परसन कृपा तिहारी, हे लालीलाल आपकी कृपा पाषंग मात्र भी हो जाएगी हमारा काम बन जाएगा। अपने बल बुद्धि से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये आपकी कृपा से सब कुछ। साधन करते हुए निरंतर नाम जाप सत्संग और भी जो रस्में साधन है करते हुए तनक भी अपने साधन का अभिमान न हो, रोजाना के रोजाना हे मेरे लाडली लाल ये आपकी कृपा से ये साधन बनो और ये आपके शिष्यों में समर्पित है। रोजा के रोजाना के रोजाना प्रियाजी के खाते में जमा कर दो, नहीं तुम खर्च कर दोगे जिन कहा तुम बच्चे हो, पता नहीं पड़ेगा कहाँ खर्च हो जाएगा। रोजाना हे लाडली लाल हमको आपके चरणों में रति चाहिए, आपके चरण कुछ बना हो आपकी कृपा से आपके शिष्यों से। चार प्राणी चार वस्तु के बिना सदा दुखी रहे, उनको चार वस्तु प्राप्त नहीं हो वो दुखी रहते। यहाँ श्री स्वामी श्री महाराज कह रहे हैं और वहां भगवत श्री महाराज दुखिया दुज विद्या बिना, ब्राह्मण विद्या बिना दुख, राजा दल बिन सो, राजा सेना नहीं है पूरी तो दुखी रहता, रूप बिना गणिका दुखी, गणिका रीति है और रूप नहीं है तो वो दुखी रहता, जोगी जोग न हो, जोगी है लेकिन उस पर योग नहीं होता है तो वो दुखी रहे। साधु हरि भजन न जाने, साधु भेस लिया है लेकिन हरि भजन में रुचि नहीं है वो महादुखी। साधु हरि भजन न जाने, भाण कलावत भाट, भाण है भाट है, स्वभाविच लज्जा माने, वो संकुचित हो जाते हैं अधिक सभा अधिक भीड़ भाड़ में, तो काय बात के वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते नहीं कर सकते हैं, वो दुखी रहते हैं। जो संकोच में और शर्मिंदा हो जाते हैं अपनी कला प्रदर्शन करने में वो सफल नहीं हो पाते, वो दुखी रहते हैं। भगवत रसिक अनन्य बिना, भगवत सिद्धि महाराज कह रहे हैं सुनो, ये तो नहीं कहा सुखी दुखी दोनों चल सकता है, भगवत रसिक अनन्य बिना नहीं को सुखिया, लेकिन अनन्य भाव नहीं हुआ इष्ट के प्रति कभी कोई सुखी हो ही नहीं सकता। ये तो सुधर भी सकते हैं, इनका सुधार हो जाएगा, लेकिन इस जीवन को धारण करके इष्ट के प्रति, बिहारी बिहारन के प्रति, स्वामी जी के प्रति, धाम के प्रति, नाम के प्रति अनन्य भाव नहीं हुआ, सलल वृत्ति है, कभी कुछ नाम जाप करते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं आश्रय नहीं, परिश्रम हाथ लगेगा। भगवत रसिक अनन्य बिना नहीं को सुखिया, इष्ट के बल भरोसे पे अगर बाई चांस नाम भी जाप नहीं हो रहा है कुछ ऐसी बात है, हे बिहारी बिहार आपका भरोसा एक दृढ़ भरोसा मूल भरोसा, उनका भरोसा होगा तो उनका ही चिंतन होगा, नाम जाप होगा अवश्य होगा, एक अनन्य भाव होगा तो नाम निरंतर अपने आप जाप होगा, और भरोसा ही नहीं है कोई। सोए पाम पसार, चाहे सो रहे हो तुम, उनका आश्रय है, नाम जाप चल रहा है, एक आश्रय
भगवत शिकवनन बिना नहीं को सुखिया, कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। आज तक कोई सुखी हुआ न होगा जिसके हृदय में इष्ट के प्रति अनन्य भाव नहीं आया, ना उसको कभी वस्तु प्राप्त हो सकती है, ना उसको नित्य सुख प्राप्त हो सकता है, और ना वो सुखी हो सकता है। अनन्य भाव भगवत शिकवनन बिना नहीं को सुखिया। अभी कह रहे हैं पुत्र बिन सब जग दुखिया, असन बसन परिवार, कोई असन से दुखी, कोई बसन न होने के कारण दुखी, कोई असन्यन भोजन व्यवस्था नहीं से, कोई परिवार के कारण दुखी, पुत्र बिन किसी के पास संतान नहीं है, संसार में सुखी कौन है, दुखी दुखी है। लेकिन सबसे बड़ा दुख का कारण यह है सबसे बड़ा दुख का कारण यह है कि मनुष्य जन्म धारण करके और इष्ट के प्रति अनन्य भाव होके भजन नहीं किया, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे जो इष्ट के चरणार बिंदों में अनन्य प्रीति करके भजन करते हैं। सब सुख का सार यहां छिपा हुआ है। संसार के जितने भी दुख बताए इनकी पूर्ति भी हो जाए इससे क्या लाभ हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा दुख तो यह है कि मनु जन्म धारण करके और युगल का निरंतर नाम जाप अनन्य भाव से नहीं किया, अनन्य बिना नहीं को सुखी, वो कभी सुखी नहीं हो सकते। बड़ा सरल है, अनन्य भाव में रहना सबसे सरल है जिनकी समझ में आ जाए। जैसे कोई व्यभिचारिणी स्त्री को कह दिया जाए तो तुमको कहीं नहीं जाना है, सारी व्यवस्था यही मिलेगी, लेकिन अपने पति के पास उसको पहाड़ जैसा लगेगा, अरे मैं क्यों, मैं तो फलाना काम ठिकाना पहाड़ जैसा लगेगा, अब परिश्रम कुछ नहीं, उसके पति ने कह दिया सब कुछ यही मिलेगा, लेकिन उसकी व्यभिचार वृत्ति है मान लीजिए। तो ऐसे अनन्य भाव में बस यही वो है, सारा कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इस व्यभिचार वृत्ति को समाप्त करो, बैठे बैठे वहीं प्राप्त हो जाएगा। चाट का वृत्ति को, कुत्ता वृत्ति को छोड़ो, जहां गए उनके ही हो गए, सबको प्रणाम करो, कभी किसी से द्वेष भावना नहीं, लेकिन अनन्य भाव से अपने इष्ट का चिंता है। नयन देखो और कछु श्रवण सुनो, जंग जीत जाओ, भजन कम भी हो रहा है ज्यादा हो रहा है जैसा हो रहा है आप कहें प्यारे ही लड़े। तो चार प्राणी कहे वहां भगवत ऋषि महाराज ने विस्तार रूपक बताया, चार प्राणी चार वस्तु के बिना सदा दुखी रहे, राजा दल बिना, वेश्या रूप बिना, ग्रही धन बिना, वैरागी त्याग बिना। चार बातें ललित किशोर देव महाराज ने बताया, प्रेमी जन इस जीवन में दुखी नहीं रहना, समस्त दुखों का निवारण तभी होगा जब हम अपने इष्ट का आश्रय अनन्य भाव से दें, निरंतर नाम जाप करिए, अनन्य आश्रय शरणागत। शिष्य के लक्षण बताए, महापुरुष होने शिष्य के लक्षण, एक प्रसंग आता है भजन का सिद्धांत में, एक महापुरुष ने अपने चेला के हाथ गोरखनाथ को प्रसाद भेजा, वैष्णव महापुरुष थे, अपने चेला के हाथ गोरखनाथ जी का गोरखनाथ जी को प्रसाद भेजा, उनको प्रसाद देते हरि था, उन्होंने नहीं लिया, तब महापुरुष ने वैष्णव महापुरुष ने कहा क्या तुम हरि का प्रसाद नहीं लेते हैं, गोरखनाथ जी ने कही मैं लेता हूं अवश्य लेता हूं, आपसे लेता हूं,
लेकिन ये लाए थे कौन थे? जो अपने गुरुओं का अत्यंत अनुगामी, गुरुओं का पक्का दास, गुरुओं के रुख में रुख मिला के चलता, उनके हाथ से जिन लाए थे कौन थे? मुझे इनकी पहचान नहीं, इसलिए मंदिर में ये मेरे शिष्य थे। महाराज एक बार इनका परीक्षण करो, रात को दिन करो, दिन को रात करो, ये क्या करते हैं? परीक्षण करो। तो कही कि भाई रात हो रही है, सब बोले चेला अरे मारा रात कौन हो रही, दिन के निकल रहा दिन रह। महापुरुषों के वचन बड़े गूढ़ होते हैं। रात्रि कहते हैं अज्ञानता, गुरु चरणों में गुरु वाक्यों में निष्ठा नहीं है, शास्त्रों में निष्ठा नहीं, तो अज्ञानता का अंधकार होता। बोले ऐसा लग रहा है रात हो रही है। छेला बोले नहीं महाराज, दिन निकल रहा है, रात कहां हो? तो वहां पूछ भेजी कि आपने परीक्षण किया, क्या किया, क्या हुआ? मैंने कहा रात हो रही, वो बोले दिन निकल रहा है, रात कहां हो? इसीलिए हमने किसान शब्द भेदी हो सो चेला, गुरु आज्ञाकारी हो सो चेला। रात को अगर दिन को रात बता रहे हैं गुरुदेव, ठीक है, दिन को रात और रात को दिन बता रहे हैं। कहने का मतलब गुरु आज्ञा में अपने आप को बांध दे, तो उनको गुरुओं के हृदय में जो वस्तु है वो अनायास ही प्राप्त हो जाए। अनेक उदाहरण। तो बोले यही थे, हमने इनके हाथ को प्रसाद नहीं पायो, ये गुरु आज्ञा में बंधे हुए नहीं है, गुरु भाव में बंधे हुए नहीं है। चेला बहुत होते हैं लेकिन गुरु निष्ठा में बंधे हुए वो बिरले बिरले होते हैं, बहुत कम होते हैं। और वस्तु उन्हीं को प्राप्त होती है जिन्होंने गुरुओं को प्रसन्न कर लिया। जीवन में बहुत उदाहरण देते हैं, जिन्होंने गुरुओं को प्रसन्न कर लिया, समझो उन्होंने ग्यारी ग्यारहवीं को प्रसन्न कर लिया। तो गुरु के लक्षण क्या है? श्री गुरुदेव यानी शिष्य के लक्षण यही है, गुरु के लक्षण है। गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो साधु सिबावे, गुरु वही जो हरिशो मिलावे, वृंदावन धाम में निष्ठा कराते हैं, संत सेवा में निष्ठा कराते हैं और सेवाओं में निष्ठा कराते हैं, वो गुरुदेव। और वही फिर हरि से मिलाने वाले गलत किसी दिन शिष्य वही जो आज्ञा पार, जो यथावत आज्ञा का पालन करे, वही गुरु के वचन हृदय में धारे, गुरु के वचनों के हृदय में धारण करे। और गुरु बिन हरि हु कौन अन्य, गलत किसी दिन। ऐसो गुरु ऐसो शिष्य हुई, प्रेम पदार्थ पामे दो। ऐसे गुरुदेव ऐसे शिष्य, तो प्रेम पदार्थ निश्चित ही प्राप्त हुआ। स्वामी जी महाराज श्री अरदास निरंतर श्री अरदास नाम जाप करो भैया, गुरु प्रदत्त मार्ग का अनुसरण कर बात।